नमस्कार मित्रों, समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव ने आज मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भर दिया है। उनके साथ अखिलेश यादव भी थे, रामगोपाल यादव भी थे, शिवपाल यादव उनके साथ नहीं थे। और उस सीट से कभी विजय हासिल करने वाले तेज प्रताप यादव भी उनके साथ मौजूद थे। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिंपल यादव की और समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह की विरासत की वापसी की लड़ाई कितनी मजबूत कितनी कमजोर है, कहाँ पे चुनौतियां हैं और क्या उन चुनौतियों को पार करके डिंपल यादव यह सीट वापस समाजवादी पार्टी की झोली में ला देंगी। हालांकि ये सीट यादव परिवार के लिए, मुलायम सिंह के लिए, मुलायम सिंह के परिवार के लिए बहुत ही सुरक्षित और मजबूत सीट मानी जाती रही है, लेकिन क्या ये आने वाले जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान है? क्योंकि अभी जब पिछले विधानसभा चुनाव के बाद दो सीटों के जो उपचुनाव हुए थे वो सीट भी काफ़ी मजबूत मानी जाती रही है समाजवादी पार्टी के लिए, आजमगढ़ की सीट और रामपुर की सीट। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। उसके लिए अखिलेश यादव की आलोचना भी हुई कि अखिलेश यादव वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं गए, और भी कई कारण थे उसके गिनाए गए जो बाद में। यहाँ अखिलेश यादव सक्रिय दिखाई देंगे ऐसा लग रहा है, चूंकि आज उन्होंने नामांकन के लिए वो खुद मौजूद थे। जब डिंपल यादव ने नामांकन किया तब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सीट पर यह लड़ाई पहले की तरह आसान रहेगी या इसमें दिक्कतें आएंगी, और क्या दिक्कतें आएंगी उस पर भी चर्चा करेंगे। डिंपल यादव का राजनीतिक करियर किस तरह का रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे कि डिंपल यादव को लेकर उनके परिवार में किस तरह की स्थिति है इस वक्त, और क्या परिवार के भीतर से भी कोई चुनौती मिल सकती है इस सीट को लेकर। ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच डिंपल यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और एक तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह की सीट पर सत्ता वापसी की लड़ाई का श्री गणेश हो चुका है। लेकिन इस चुनावी लड़ाई ये चुनावी जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अपनी पूरी तरह से जोर लगाने की कोशिश में है। और चर्चा के बाद वहाँ के लिए जो उम्मीदवार तय किए जाने हैं वो तो सेंट्रल लीडरशिप उसको तय करेगा, लेकिन जो नाम भेजे गए हैं और उस नाम से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि वो इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा और डिंपल यादव के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसके अलावा कई आंकड़े ऐसे हैं इस चुनाव के, अगर हम चर्चा करें, देखें इस मैनपुरी सीट को, समझें संसदीय सीट को, तो ये बड़ा दिलचस्प रहा है कि यादव परिवार का इस पर लंबे समय से कब्जा रहा है। लेकिन मैं उससे भी पहले अगर बात करूं तो यादव परिवार से पहले मुलायम सिंह यादव के जो गुरु रहे हैं वो भी वहाँ उस सीट से जीतते रहे हैं, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और अगर मैं मैनपुरी सीट की बात करूं तो 1989 में और 1991 में जो चुनाव हुए थे उदय प्रताप सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता था, और देखा जाए तो पूरा जो है 89 के बाद का दौर जो है एक तरह से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की ये सीट रही है। मुलायम सिंह यादव पहली बार यहाँ से 1996 में जीते, उसके बाद 1998 में बलराम सिंह यादव आए, बलराम सिंह यादव 1999 में भी यहाँ से चुनाव जीते, फिर 2004 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते, और धर्मेंद्र यादव को फिर 2004 में, जब मुलायम सिंह यादव ने यह सीट छोड़ दी तो 2004 में धर्मेंद्र यादव जीते यहाँ से, फिर 2009 और 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते, और उसके बाद 14 में जब मुलायम सिंह यादव ने, चूंकि इसके अलावा वो आजमगढ़ सीट से भी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने आजमगढ़ सीट को अपने पास रख लिया और मैनपुरी सीट को छोड़ दिया, तब वहाँ से तेज प्रताप सिंह यादव को पहली बार वहाँ से लड़ाया गया 2014 में। और उसके बाद 2014 में तेज प्रताप यादव दूसरी बार जब मुलायम सिंह यादव ने सीट छोड़ी तब वहाँ से जीत के वो संसद का उन्होंने संसद में गए। और लेकिन 2019 में मुलायम सिंह यादव जब यहाँ से दोबारा चुनाव लड़े और जो आखिरी उनका कार्यकाल था, तो 2019 में मुलायम सिंह यादव की जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ मुकाबला हुआ था
लेकिन वो मुकाबला मुलायम सिंह यादव के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा था। तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच मुलायम सिंह यादव 2014 का चुनाव बहुत ही आसानी से, वो मोदी लहर में भी उनकी उनको अच्छी खासी बढ़त मिली थी और उनके वोट प्रतिशत देखा जाए, अगर 2014 की बात करूं मैं, अगर मोदी लहर में जब यहाँ चुनाव हुआ था, मुलायम सिंह यादव ने जब वहाँ से चुनाव लड़ा था, मोदी लहर के बीच उनको करीब करीब 60% वोट मिले थे, 59.63। तो ये एक बड़ा मार्जिन के साथ वो चुनाव जीते थे और बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और उस समय शत्रुघ्न सिंह चौहान जो है उनको महज 23% वोट मिले थे। लेकिन बाद की कहानी कुछ और है। बाद में यहाँ पर इस सीट पर जब भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान देना शुरू किया, यानी जब उन्होंने तेज प्रताप सिंह यादव को लड़ाया, जब मुलायम सिंह ने इस सीट को छोड़ने के बाद, तब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को के वोट प्रतिशत में 9% का उछाल आया था और तब वो 32% प्रेम सिंह साक्य, जिनका नाम एक बार फिर चर्चा में है कि उनको पार्टी वहाँ से टिकट दे सकती है, क्योंकि जो 3-4 नाम गए हैं जो सेंट्रल लीडरशिप की ओर से जिस पर मुहर लगनी बाकी है, उन 4 नामों में से प्रेम सिंह साक्य का एक नाम है जो तेज प्रताप सिंह यादव के खिलाफ, जिन्होंने 32% वहाँ पर वोट हासिल किए थे। दरअसल जो मैनपुरी का जो मैनपुरी में जो जातीय समीकरण है उसमें यादव के बाद अगर कोई जाति पिछड़ी जातियों में से अगर कोई बहुत ज़्यादा जिसकी ताकत है वो साक्य जाति ही है और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने वहाँ पर साक्य समुदाय से, साक्य जाति से अपने जिला अध्यक्ष को एक नियुक्ति दी थी। लेकिन अब देखना यह है कि साक्य के वोट जो लगातार कई चुनावों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता रहा है, प्रेम सिंह साक्य हो इस तरह से, तो 19 में भी, चूंकि 19 में उनको 44% वोट मिल गया था, और भी ज़्यादा वोट मिल गया था 19 मतलब पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में, जब वो साक्य को दोबारा उतारा गया जब, तो उनको एक अच्छी खासी बढ़त मिली और उनका वोट प्रतिशत पिछले चुनाव से 11% ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिंपल यादव के को भी इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डिंपल यादव देखा जाए तो डिंपल यादव राजनीति में हैं लंबे समय से। मैं अगर उनकी राजनीति की बात करूं तो 2009 में पहली बार उनको फिरोजाबाद से खड़ा किया गया था, उपचुनाव लड़ाया गया था और पहली उपचुनाव वो हार गई थी क्योंकि उनके सामने राज बब्बर खड़े थे और राज बब्बर तब वो कांग्रेस में थे। और लेकिन 2012 में वो कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई थी और पहला बहुत लंबे समय बाद बहुत कम लोग निर्विरोध इस तरह के चुनाव में जीते हैं। तो 2012 में चूंकि जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने वो संसदीय सीट छोड़ दी और उस सीट से उन्होंने अपनी पत्नी को लोकसभा का उपचुनाव लड़वाया था और उस उपचुनाव में उनके खिलाफ में 2 और छोटे दलों के लोग खड़े थे जिन्होंने बाद में नाम वापस कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी तो अपना नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाई थी, कहा गया कि उनके उम्मीदवार पहुंच नहीं पाए नामांकन के लिए और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई वहाँ नामांकन दाखिल करने में, और तब डिंपल यादव को निर्विरोध वहाँ से चुन लिया गया था। तो ये कहानी है, अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन डिंपल यादव 2014 में वहाँ से मोदी लहर में वहाँ से चुनाव जीत गई थी, 2014 में वो संसद में पहुंची थी। लेकिन 2019 का चुनाव जब आया और जब 2019 में आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, मायावती भी साथ में आ गई थी और मायावती खुद डिंपल यादव का प्रचार करने के लिए गई थी और उस समय एक तस्वीर बहुत ही चर्चा में आई थी कि डिंपल यादव ने मंच पर मायावती का पैर छुआ था और एक इस तरह की तस्वीर उभरी थी कि दोनों परिवारों के बीच में एक अच्छा खासा समन्वय बन रहा है, अच्छा खासा तालमेल बन रहा है। लेकिन वो उस तालमेल के बावजूद 2019 का चुनाव डिंपल यादव जीत नहीं पाई थी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रत पाठक को जीत हासिल हुई थी। और ये स्थिति अपने आप में डिंपल यादव का जो एक राजनीतिक और चुनावी इतिहास है जो अपने आप में बताता है कि डिंपल यादव के लिए कहीं भी अगर बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम न करें तो जीत इतनी आसान कभी नहीं रही है। 2012 का चुनाव अलग है। तो ये दो बार, 2012 में वो उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंची और 2014 में वो मोदी लहर में
समाजवादी पार्टी का जोर था, समाजवादी पार्टी अपनी तमाम जो अहम सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें वो कन्नौज की सीट भी थी और वहाँ से डिंपल यादव चुनाव जीतकर संसद में पहुँची थी। लेकिन 19 में उस जीत को वो दोहरा नहीं पाई और उसके बाद से वो लगातार एक तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं रही। उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, 3-3 बच्चों की माँ हैं वो, और बच्चों की परवरिश में एक माँ की जो भूमिका होती है वो भूमिका दिखाई उनकी देती है। चूँकि सोशल मीडिया के जरिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आप और हम सब देखते रहते हैं, तो उस जरिए में अगर देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए तो डिंपल यादव की एक तस्वीर एक भारतीय नारी की उभरती है। वो बड़े सलीके से साड़ी भी पहनती हैं और साड़ी में ही सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक उनकी जो छवि है, एक सार्वजनिक जो छवि है, वो एक भारतीय नारी की छवि है और बड़ी शिष्ट दिखाई देती हैं। बहुत शालीन और बातचीत में वो नेताओं वाला लहजा नहीं है। वो पहले तो वो देख के पढ़ा करती थी, कुछ भी लिखा हुआ पढ़ा करती थी मंच से। मैं वो तस्वीर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ छोटी छोटी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे डिंपल यादव ने ग्रो किया है। 1090 ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। हमें लगभग 2.5 लाख महिलाओं और बहनों को अपनी समस्याओं से रुझान मिला है, उनकी समस्याओं को सुलझाया गया है। इसी सराहनीय कार्य के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। अब जो नई सरकार बनी है, जब वह नई सरकार इन मुद्दों पे आई है कि कब्रिस्तान और शमशान वाले मुद्दों पे आई है, जो दिवाली पे कितनी बिजली आई है और रमज़ान पे कितनी बिजली आई है, इस मुद्दे पे सरकार आई है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार कोई काम करने आई है। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि सरकारें इसलिए बनती हैं कि जो व्यवस्थाएं होती है उनको और बेहतर कैसे करें, लोगों की सेवा कैसे करें। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो सेवाएं हमको देनी है अब नई सरकार को, उनको उन पे काम करना चाहिए। जनता जनता, नौजवान, माताएं बहनें ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे NCRB के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही हैं, और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की जनता घटना भूल जाएंगे? क्या हम लोग, क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को, और उसको उस अंतिम संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है, एक अधिकार है, उसको भी वो नहीं करने दिया गया था। और उनके परिवार वाले को जो प्रताड़ना दी गई थी, जनता ने सब देखा है। और वही उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ था वो भी जनता नहीं भूलेगी। ये कहानी है पूरी डिंपल यादव और मैनपुरी सीट का, ये इतिहास है। और इस इतिहास के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, और दिलचस्प इस मायने में भी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पत्ते नहीं खुले हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाने की एक कोशिश दिखाई दे रही है, लेकिन शायद अपर्णा यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनका नाम केंद्रीय नेतृत्व को नहीं भेजा गया है। लेकिन अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, और इसीलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कोई अपना शाक्य उम्मीदवार खड़ा करती है, क्या प्रेम सिंह शाक्य को ही टिकट दोबारा मिलता है, ये भी देखना होगा। और क्या अगर प्रेम सिंह शाक्य को एक बार फिर मैदान में खड़ा किया जाता है तो वो मुलायम की गैरमौजूदगी में डिंपल यादव क्या उनको शिकस्त दे पाएंगी, और क्या स्थिति रहेगी, ये हम आने वाले समय में देखेंगे और आने वाले इस पर चर्चा भी करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि डिंपल यादव के लिए ये सीट एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई है, एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष है, और समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से, चूँकि अभी जो उपचुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह की कोशिश रही है, और जिस तरह के समाजवादी पार्टी के भीतर में जिस तरह का अभी माहौल है, उसमें बहुत कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। एक सवाल और है, परिवार का सवाल,
क्योंकि इस सीट को लेकर परिवार के भीतर में भी बहुत तरह का संघर्ष रहा है इस सीट पर, चूँकि तेज प्रताप यादव भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं, तो एक चर्चा ये भी थी कि उनको सीट मिलनी चाहिए थी, उनको दोबारा खड़ा किया जाना चाहिए था। क्या परिवार में सहमति है इसको लेकर? हालांकि तेज प्रताप यादव दिखाई दिए आज, डिम्पल यादव के साथ वो नामांकन दाखिल करने के लिए खुद साथ जा रहे थे, तो वो भी दिखाई दिए। लेकिन इस सीट पर एक दावेदारी शिवपाल यादव की भी मानी जा रही थी। ऐसी चर्चाओं में भी आया था कि शिवपाल यादव चाहते थे कि उनके बेटे उस पर चुनाव लड़े मैनपुरी सीट से, लेकिन अभी शिवपाल यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल यादव ने इसको लेकर अभी कोई राय जाहिर नहीं की है। आज शिवपाल यादव नामांकन जब दाखिल किया गया डिम्पल यादव का, तो वो मौजूद नहीं थे। इस पर भी सवाल मीडिया की ओर से आया, अखिलेश यादव ने इस सवाल का सामना किया। उन्होंने कहा कि अभी सादगी से, चूंकि उनका परिवार शोक मना रहा है, इस वक्त शोक में है, अभी मुलायम सिंह यादव के निधन को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और इसीलिए पूरा परिवार शोकमग्न है, तो इसको बहुत ही सादे समारोह के तौर पर लिया गया है और इसीलिए नामांकन में बहुत कुछ ऐसा शो करने की कोशिश नहीं की गई है, अपनी ताकत को जाहिर करने की कोशिश नहीं की गई है। और एक खास बात यह भी है कि इस सीट को लेकर यादव परिवार बहुत कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है वो उसके पक्ष में ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर यादवों का एक अच्छी खासी ताकत है, लेकिन 2019 के चुनाव ने बहुत कुछ बदला है और 2022 के चुनाव ने उसमें और भी बदलाव ले आया है, क्योंकि यहाँ से जो इस पूरे कंस्टिट्यूएंसी से, लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसी के दो जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं उस पर, मैनपुरी पर भी, इवन कि मैनपुरी जो मेन शहर की सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और इसके अलावा एक सीट और है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है विधानसभा में। तो इन सीटों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का असर लोकसभा के चुनाव में होता है, वो भी अपने आप में एक ऐसा छिपा हुआ उसका तथ्य है जो डिम्पल के लिए चुनौती बन सकता है, जो समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले जो चुनाव में एक संकट पैदा कर सकता है। तो ये है फिलहाल, मैं इस पर अभी आगे भी आपको अपडेट्स दूंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव ने पर्चा भर दिया है, लेकिन डिम्पल यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट का संघर्ष अभी गहरा है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के संदर्भ के साथ, इसी तरह के विचार के साथ। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने उसकी जानकारी आपको मिल जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है। नमस्कार।